तो आप प्रेस बंधुओं का वेलकम, हार्दिक स्वागत। ये जो सांस हम आज तकलील करने जा रहे हैं, ये मेरा बड़ा पुराना थी मेरा ये था। तो ये हमने पहले इनको शूट किया, उसके बाद लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हमने की थी, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम ये गाना रिलीज करेंगे। तो आज हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आज ये गाना रिलीज करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल खोला, ये हम उस पे चैनल पे रिलीज करेंगे। हाँ, इसका जो हमारी प्रोडक्शन का नाम है सत्या शांति प्रोडक्शन, SS प्रोडक्शंस के नाम पे, सुरेंद्र कुमार गुप्ता प्रेजेंटेशन, उसके नाम पे हम ये गाना रिलीज करेंगे। कितने गाने रिलीज? ये फिलहाल हमने 2 गाने ये कंप्लीट करके आज रिलीज कर देने हैं। एक आज करेंगे, इसके बाद विद इन 1 वीक आर तो दूसरा गाना भी हम रिलीज कर देंगे। तो उसके बाद हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये चैनल, इसके बाद हम 2 महीने के बाद नए काम के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम नई एल्बम लॉन्च कर रहे हैं, एक शाम यारों के नाम। तो हम क्या करेंगे, हम ये चैनल जो है, इस चैनल के हम तीन चैनलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। मतलब एक भक्ति चैनल हो गया, एक इंटरटेनमेंट चैनल हो गया, और एक हमारा शॉर्ट स्टोरीज वेब सीरीज। इस हिसाब से हम एक ऐप बनाएंगे SS नाम से, जहाँ सत्य शांति के नाम से एक ऐप बनाएंगे, उसके ऊपर हमारे ये तीनों जो ब्रांचेज होंगी ना, तो उस हिसाब से हम ये रिलीज करेंगे। शिवाजी, सिवा से आप बताइए किस तरह से आपने सत्य काम किया और दो गाने जो शूट किए, उसके बारे में जरा बताइए। माता के भक्त है, शुरुआत कर रहे थे, तो बोला शुरुआत मतलब ऐप बना के, मतलब कुछ और डालने से अच्छा है पहले माता जी के एक भक्ति सॉन्ग डालें, क्योंकि आज भक्ति सॉन्ग डालेंगे फिर इंटरटेनमेंट चैनल बनाएंगे, तो शुरुआत के लिए मतलब माता से अच्छा क्या हो सकता है। तो कोशिश किए तो मतलब इन्होंने बोला ठीक है पहले माता जी का ही शुरू करते हैं, तो हमने बना के डाला है अभी इसको। अनुभव अच्छा था, सब मतलब सारे अपने लोग थे, कोई टेंशन नहीं। वैसे शूटिंग का अनुभव तो 30 साल का है ना, चाइल्ड आर्टिस्ट से करियर शुरू किया अशोक कुमार के पोते का रोल करने से, फिर 18 शो डायरेक्ट किया, 200 प्रोड्यूस किया, फिल्में अभी मेरी फिल्में रिलीज पे है। तो क्या है, अब क्या कोई भी शुरुआत का, मैं एक्चुअली के खुद मैं माका भक्त हूँ, तो अब फिल्म भी शुरू करता हूँ तो पहले एक गाना मतलब माता जी का हो, उसके बाद ही आगे काम होगा। तो किसी चीज़ की शुरुआत मतलब माँ से बढ़कर क्या हो सकता है। नहीं, मेरा अनुभव अच्छा था, क्योंकि मैं मतलब फ्रेंडली हम लोग काम किए। देखिए, मैं आपको अपने बारे में ये बताऊं कि मैं 92 में मुंबई में आया था, 92 एंडिंग 93। तो मैंने वहाँ जब मुंबई में मैं आया था यहाँ बिजनेस करने के लिए, लेकिन फिल्मी दोस्ती यारी जुड़ने के साथ मेरा भी थोड़ा सा इसी ओर शौक चला गया। 2-3 साल मैंने स्ट्रगल की, लेकिन हुआ कुछ नहीं, फिर मैं वापस चला गया। लेकिन मेरा जो दिल और दिमाग था ना, कभी दिल जम्मू दिमाग यहाँ, कभी दिमाग यहाँ दिल वहाँ, बॉम्बे के साथ जो अटैचमेंट थी वो जुड़ी रही, मैंने बॉम्बे को छोड़ा नहीं। मैंने हर साल में 2-3 बार आके कुछ ना कुछ मैं करता रहता था, लेकिन वो राइट टाइम नहीं आया ना। मतलब हर आदमी को तो एकदम सक्सेस नहीं मिलती है, सारे शाहरुख खान नहीं बन जाते हैं, शाहरुख खान एक ही है। तो कोशिश हम करते रहे, मैं 30 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि हर साल 2-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया मैं लगा देता था, लेकिन सही टीम नहीं मिल रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार अच्छा करने के लिए ना, मैं जम्मू से हूँ और माता वैष्णो देवी हमारे घर के पास है, तो क्यों नहीं हम माता के नाम से ये शुरुआत करें। ये ऐसे अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, तो फिर मैंने यहाँ कोशिश की, गाने अपना लिखवाए, मोती जी राइटर हैं मेरे, ये आए मिले किसी के थ्रू, हमने 2-3 गाने इनसे लिखवाए। फिर उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर हमारे नार साहब हैं, वो जहाँ मैं रहता हूँ उसी बिल्डिंग में रहते हैं, उनके साथ कंटेक्ट हुआ, वो भी अच्छे पुराने हैं, वो फिल्मी पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो, तो उनके साथ हुआ अच्छा, उन्होंने मेरे को सहयोग दिया। उसके दुर्गा जी हमारे प्रोडक्शन इन्होंने संभाला, फिर डायरेक्टर साहब मिल गए, मतलब ऐसा फिर मिलता गया ना एकदम, फिर रुकावट नहीं आई हमें, गाना लिखा, गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना गवाया गया, अच्छा गाना शाहिद माले से गाना गवाया हमने मार्केट से, वो
कोई वो नहीं है कि अच्छा काम किया हमने, इसमें कुछ यूज ही नहीं किया, शुरुआत हमारी अच्छी हुई है, आई एम सेटिस्फाइड, और लगता है कि हमारा ये काम अब बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ऑलरेडी हम लोग 9 गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब 2 माता का और 7 का एंटरटेनमेंट का, और प्लस एक तांडव है भोलेनाथ का तांडव जो हम मतलब नेक्स्ट मंथ में शूट कर रहे हैं। तो सर आप भक्ति गाने में आप नजर आए, और बाकी जो गाने क्या उनमें भी आपका कुछ दो लफ्ज है? नहीं, कहीं ना कहीं तो रहेंगे जी। अभी क्या है तांडव बड़े स्केल पे बना रहे हैं, अच्छा, क्योंकि वो शिव का तांडव है। और कोई मतलब क्या है ऐप का क्या नहीं, मतलब एक कंटिन्यू भक्ति का एक चैनल चलता रहेगा, एक एंटरटेनमेंट का रहेगा, और एक अपना सीरीज चलता रहेगा, ये मतलब रोलिंग में ही रहेगा जी। और बाकी एक्टर्स को भी है आप अप्रोच करें, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं बड़े स्केल पर, उस बारे में अगर कुछ अगर बातचीत हो या बता सके आपने क्या? नहीं, एक्टर तो देखो अभी जितना मतलब हमारे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सब जानते हैं, क्योंकि एक साहब का एक्सपीरियंस है, तो क्या हम हर बार कोशिश करेंगे कि गानों में एक नया एक्टर आए। अब सीरीज करेंगे तो सारे नॉन एक्टर के साथ ही करेंगे। आगे देखिए, आगे कर रहे हैं काम, हम अब हम घुस गए हैं, अब जब हार तो जब पार, अब हमने हमें कोई वो नहीं है, हमें देखिए कोई लालच नहीं है, हमारी बजट के हिसाब से भी ऐसा होगा, हमारी एक बजट है, हमारी उस बजट में जो भी आएंगे हम उनके साथ काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, बाकी मार्केट से भी काम करेंगे, इसमें अच्छे रहेगा। अभी अभी हमने ये टांडव का जो गाना मैंने लिखवाया है, इसको अच्छे सिंगर से गवाएंगे, ठीक है ना, इसको भी उसके बाद जब वो जो एक शाम यारों का नाम है उसमें म्यूजिक मेरा दिया हुआ, इसने क्या नाम है जो मुझे दिलीप सैन, समीर सैन, और हाँ दिलीप सैन समीर सैन का म्यूजिक है उसमें, अच्छे मार्केट के सिंगर्स हैं जो, अब मुझे इतना याद नहीं है, सबने अच्छा अच्छे सिंगर्स लिए मार्केट के लिए मैंने, तो वो एक एल्बम है उसमें 7 सॉन्ग्स हैं, तो उनको हम अप्रैल में एंडिंग मार्च या अप्रैल में शूटिंग उनकी कम्प्लीट कर लेंगे, और अप्रैल में उन्होंने चाहा तो आपको फिर इन्वाइट करेंगे। यानी कि हर महीने 2 महीने हर महीने जो तो एक गाना एवरेज हम हर महीने एक गाना देंगे, एक गाना देंगे, वो चाहे भक्ति का हो चाहे एंटरटेनमेंट का हो, मतलब हर हमारी सोच है कि हम वो चीज़ तैयार करके दें जो मार्केट में जो लोगों को अच्छी लगे, क्योंकि आजकल आपने देखा ना, आजकल लोगों को हर आदमी परेशान है, किसी को भक्ति अच्छी लगती है, किसी को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, किसी को साइंस आज अच्छा लगता है, उस तरीके से मेरा जो मेरा माइंड है ना उस तरीके से काम करने का, मैं चाहता हूँ कि जो मार्केट में डिमांड है ना सच की जाए वही चीज़ पेश की जाए। अच्छा, आपकी भी एक झलक होती है एक्टिंग भी हाँ बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे, आए थे तब एक्टिंग करने ही आए थे। मैं सर से पूछना चाहूँगा आपको, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी वक्त आपने दिया है, आपका दिल कहीं ना कहीं मुंबई में ही है, कोई एक्टर जो आपके दिल में है अभी या हमेशा हमेशा है, से इंस्पायर होते हैं आप? इंस्पायर था धर्मेंद्र से, अच्छा, जो पुराने एक्टर सारे धर्मेंद्र की मैंने मोस्टली फिल्में देखी हैं, ज़्यादा मैं धर्मेंद्र से इंस्पायर, सही बताऊँ दिल की बात बताऊँ, एक्ट्रेस का मुझे पता नहीं होता, एक्ट्रेस होगी हेमाली प्राणी एक्ट्रेस जो है ना, मैं उनका फैन आज भी। शिवा जी भी पुराना है, उन्होंने काफी सीरियल वीरियल भी थे, लास्ट में सुना चंद्रकांत था वगैरह। क्या कुछ चैनल्स पे आ सकता है अभी लेटेस्ट, अगर जनता उपदान चाहे कुछ, या जो हमसे मिस हो गया हुआ पूछना कुछ ऐसा उपदान चाहे, इसके अलावा कुछ बोलना है कुछ बोलना चाहते? देखो इसके अलावा क्या है, अभी तो हमने YouTube पे चैनल पे रिलीज करना है, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे अगर गाना हमारा जस्ट स्टार्ट किया है तो इसको एक मुकाम पे ले पे लाएंगे, अभी हमारी और भी चैनल से बात होगी, अगर हमारे उनकी अच्छी नहीं होगी तो हम रिलीज करेंगे उन पर भी करेंगे, हमें क्या, हमने तो मार्केट में गाने हमारे हिट हो जाए तो कोई भी चैनल आएगा हम करेंगे उनके साथ काम, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा कोई वो है नहीं है कि हम अपने ही। कंपोजिशन करने का विचार कैसे आया, लिरिक्स दिए मोती सुल्तानपुरी जी ने और हम बैठे थे साथ में दोनों, और दोनों भक्ति गीत थे, करते करते हो गया और दोनों गाने अच्छे हो गए कंपोज, उसके बाद प्रोग्रामिंग हुई, अरेंजमेंट हुई, रिकॉर्डिंग हुई, प्रॉपर मिक्सिंग मास्टरिंग हो गई और अच्छा काम निकल के आया, दोनों गाने अच्छे हैं, आपने सुने ही होंगे जी। मतलब ये मैं दादा के साथ करीबन
6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने सर के लिए पहले भी बहुत सारे सिंगल्स में बैकिंग वोकल्स जिंगल्स ये सब मैंने गाए हुए हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही कुछ गाने के लिए सर ने बुलाया था मुझे स्टूडियो में और बोले कि एक भजन का प्रोजेक्ट आया हुआ है और गुप्ता सर उसके प्रोड्यूसर हैं और सुरेंद्र गुप्ता जी और मोती सुल्तानपुरी जी आए हुए थे। तो इन्होंने बहुत सारे भजन का बंच लेकर के गाए थे। तो ऐसे बैठे बातचीत हुई तो इन्होंने और तमन्ना अरोड़ा जी ने मिलकर के भजन लिखा था। तो उसमें से हम लोगों ने 2-3 गाने हम लोगों ने सबने मतलब सबका साझा निर्णय एक हुआ कि उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि इस पर किया जाए। फिर हम लोग बैठे धीरे धीरे करते करते इस जो है क्या कहते हैं कंपोज होते गया, फिर उसमें तब्दीलियाँ आती गई, फिर लास्ट में एक जगह पर पहुंचे कि ये 2 भजन हम लोग फाइनल कर रहे हैं जिसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर गाना पहले स्क्रैच रेडी हुआ, रेडी होने के बाद में फिर जब एक गाना बन गया तो फिर सिंगर्स फाइनल हुए। एक गाने में मैंने कविता राम वो आज यहाँ पर किसी कारण नहीं आ पाई है तो उनके साथ मेरा एक डुएट भी है और एक गाना जो है वो शाहिद मालिया जी ने गाया है। तो कैसे ये गाना शुरू हुआ और ये आज फाइनल आज ये रिलीज हो रहा है बहुत ही मतलब देखते देखते यूँ पता नहीं चला और बड़ा अच्छा एक भक्ति भाव से स्टार्ट हुआ और भक्ति में गीत बन करके लोगों के सामने आए और काम करने में बहुत आनंद आया। सर मैं सुरेंद्र सर के साथ 2015 से जुड़ा हूँ और ऑलरेडी मैंने 2015 में इनके साथ एक फिल्म में सॉन्ग राइटिंग किया था जिसमें अपना ममता शर्मा जी थी, टीशा निगम जी वगैरह थी, तो उसमें मैंने आइटम सॉन्ग इनके साथ लिखा था। तो हम 2015 से ही जुड़े बट अभी जब ये शुरुआत हुआ था तो माता रानी का नाम लेके हमें ये शुरू करना था। तो ये एक सुहागन के ऊपर हमने ये तैयार किया कि वो अजर अमर होने का वरदान मांग रही अपने सुहाग का कि मेरा सुहाग हमेशा अजर अमर रहे। जैसे कि आज माता सती ने भी यमराज से अपने पति को निकाला मार, तो जो सिंदूर की पावर है तो सिंदूर का कलर और माँ की चुनरी का कलर हमने मिक्स करके कि माँ अब हमें ये वरदान दे दो कि हमारा सुहाग अजर अमर हो जाए। जबकि हर एक सुहागन के लिए समाज के अंदर वो मां का सिंदूर ही उनका कवच होता है ना। जिस दिन वो सिंदूर हटा कि उनके साथ बहुत सारी समस्याएं समाज में फैलने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें एक सुहागन के लिए ही है, चाहे वो अपना हमारा ये कहते हैं करवा चौथ आता है या माता रानी का चौकी लगता है या विवाह कोई प्रोग्राम बनते हैं तो माता रानी की सदा उन पर कृपा बनी रहे। इस तरह से हमने मेरी मांग सदा तेरी चुनरी के जैसे लाल रहे ओमा लाल रहे और मन में था कि जैसे जय जय संतोषी माता जैसा सॉन्ग आया और उसके बाद एक ऐसा सॉन्ग आना चाहिए। तो सुरेंद्र सर के साथ पूरा हमने सुनाया, फिर सर ने प्रकाश नार सर से बैठा के फिर हमारा वहाँ से रनिंग हुआ और आज माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग दोबारा फिर से एक साथ बैठेंगे।